बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ में इन दिनों गंदगी से आमजन का बुरा हाल हो गया है और लोगों को महामारी का डर सताने लगा है। पहले तो लोगों के घरों के आगे ही कचरे का ढेर देखा जा रहा था, पर अब तो सरकारी संस्थान और अस्पतालों में भी कूड़े का अंबार लगा पड़ा रहता है, जिससे आसपास बदबू और महामारी फैलने का डर बना हुआ है। वहीं सफाई कंपनी JBR की सरकार में अच्छी पकड़ होने के चलते ना तो स्थानीय प्रशासन कंपनी पर कोई कड़ी कार्रवाई कर पा रहा है और ना ही सरकार द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत मिशन का आमजन को फायदा हो रहा है। अब तो हाल यह है कि सफाई कंपनी की पहुंच के आगे प्रशासन भी घुटने टेक चुका है और गंदगी को छुपाने के लिए तरह तरह के नए तरीके ढूंढ रहा है, जिसका अंदाजा नालागढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में गेट के साथ लगे कूड़े के भंडार को देखकर लगाया जा सकता है, जिसे ढकने के लिए गेट पर प्रशासन द्वारा कंबल तक टांग दिया गया, जिससे लोगों को वहां पर पड़ी गंदगी ना दिख सके। वहीं जब इस पूरे मामले पर BMO नालागढ़ आनंद शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने से JBR कंपनी द्वारा कचरा नहीं उठाया जा रहा, जिसके चलते अस्पताल में कूड़े का ढेर लग चुका है। उनके द्वारा कई बार कंपनी के कर्मचारियों से बात भी की गई, पर उनके द्वारा अभी तक कूड़ा नहीं उठाया गया है। वह जल्द ही इस कूड़े का समाधान करवा दिया जाएगा। वार्ड नंबर 1 की पार्षद शालिनी शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि वह खुद भी शिकायतें कर चुके हैं और अब तो लोग भी उन्हें खरी खोटी सुनाने लगे हैं। मैं शालिनी शर्मा, पार्षद वार्ड नंबर 1। नहीं, इसके बारे में मैं, जैसे कि शहर की सफाई का हाल चल रहा है, इससे मैं थोड़ा, लोग जैसे हमें बता रहे हैं, अवगत कराया जा रहा है, हाल तो शहर का बहुत ही बुरा चल रहा है और इसके लिए हम लोग भी कमेटी और हम लोग आगे से जागरूक होके इसके लिए अभियान भी चलाने की सोच रहे हैं और लोगों से भी गुजारिश कर रहे हैं कि जो यहाँ पे जो सफाई व्यवस्था का हाल तो बुरा ही है, इवन मैं इसमें आगे से बढ़कर खुद भी आवाज़ उठाना चाहूँगी कि जो भी कंपनी हमारे ये कूड़ा उठाती है, जो भी करती है, कृपया कर अपना कार्य पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ करें और जो भी साफ़ सफाई झाड़ू वाले हैं या कूड़ा उठाने वाले हैं, उनकी कमी तो, उनके कार्य में कमी तो हो रही है, जिससे शहर का बुरा हाल हो रहा है। और ये लोग फ़ोनों पे हमें बताते रहते हैं कि ऐसा हो रहा है, हमारे करने के बावजूद वो अपना कार्य पूरी तरीके से करते नहीं हैं। बाकी और लोगों से भी गुजारिश रहेगी कि इधर उधर कूड़ा ना फेंकें, जिस हिसाब से है डोर टू डोर अगर आता है तो उधर दें, अगर वहाँ पे कोई कमी रहती है तो हमें अवगत कराया जाए। बाकी जहाँ तक है मैं कंपनी वालों से गुजारिश करूँ, अपना काम पूर्णतः पूर्ण ईमानदारी से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नालागढ़ में बहुत बुरा हाल है, गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। हमारे जो MC वगैरह है या प्रधान वगैरह है, उनको चाहिए इस समस्या का हल करें ताकि किसी तरह की कोई बीमारी ना फैले और लोगों को इससे इसका समाधान जल्दी निकालना चाहिए। हमारा जो ये इसको कूड़े को उठाने का जो ठेका है, एक JBR कंपनी को दिया गया था। उस कंपनी ने यहाँ से कूड़ा एक महीने से नहीं उठाया। अब हम लगातार उनके फ़ोन पे कांटेक्ट कर रहे हैं, इससे पहले भी इनको कांटेक्ट किया गया है फ़ोन पर भी और रिटर्न में भी, परंतु उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। परंतु हम अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं कि एक या दो दिन में ये सारा कूड़ा उठा दिया जाएगा। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।